आपस में उन्हें बुने देख ले, लेकिन कोई आगे को नहीं आना चाह रहे, धूल में लठ लाग रहे, मतलब सगना गए लापा लोप है, उन्हें बदबू आवे उन्हें की हवा चला जाए, उन्हें बदबू आवे, मतलब धुआं में खावा और काम करे बे। दिल्ली वाला दिक्कत दे, उन्हें भी दिक्कत दे। अब धुआड़ो देखा डमरा को, तेल को एक धुआड़ो आ रही है खेत में। राम राम सा, मैं मनोज थे देख रहे हो जलकोचुरु। फिलहाल चुरू जिले सुजानगढ़ गए बोबासर ग्राम पंचायत में मौजूद हाँ। अठे काफी समस्या है, एक तो प्लांट की समस्या है, जठे दूषण है, ग्रामीण है जी का परेशान है, और दूसरी कुछ स्वच्छता की भी बात है जी की करेजारी है। कमीशन जी को चलाइडो हो वो फेलियर साबित हो रही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि आगे जो वीडियो है नोटिफिकेशन थाने मिलते रहे। ग्रामीणों बातचीत करके देख लें कितनी बड़ी समस्या है, कितने टाइम समस्या है जी की उत्पन्न हो रही है। तो जी एक तो स्वच्छता की बात कर रहे हो थे, धुएं जी की बात कर रहे हो, प्रदूषण की बात कर रहे हो, क्या प्लांट लग रहा है, क्या समस्या आ रही है? देखो जी, आज मैं पहली बात तो जलको चूरन बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप हमारे गाँव में आया और इस समस्या को थोड़ा बहुत मुद्दा उठा रहे हो, जबकि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ। गांव वाला आया जगह आपस में उन्न बुन देख ले, लेकिन कोई आगे को नहीं आना चाह रहे। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा समस्या है हमारे गांव के में प्रदूषण की। प्रदूषण हमारे गांव के में एक दो तीन प्लांट लाग रहा है, साउथ साइड में दो प्लांट लाग रहा है, वेस्ट साइड में, तो दोनों की हमारे उन्न की हवा चाले जब उन्ने बदबू आवे, उन्ने की हवा चला जब उन्हें बदबू आवे। बंद जार दो चार बार बंद करवा दिया, लेकिन वे एक बार जार बंद करवावे जितने दो पाँच सात दस दिन बंद कर देवे, बिग बाद में वे पाछू चालू कर ले। पूरी समस्या को नहीं, और अवैध रूप मतलब इनलीगल तरीका लाग रहा है। बांगन कोई बांग प्रूफ को नहीं, ना वे कोई पानी चलावे, ना कोई और बांग खटे सड़क चाले जना काम कर ले। अब यहाँ एक अठे प्लांट अठ लगा वाले और काम चाले बांग खड़े 100 किलोमीटर दूर, मतलब धुआं में खावा और काम करे बे। दूसरी बात, देखो हमारे गांव के में वो है कचरो स्वच्छता का अभियान के में दोनों का पंचायत का बोर्ड लाग रहा है, दो उन्ने बोर्ड लाग रहा है कि बोबा से पंचायत है जी की स्वच्छता के माँ गिनी जावे, लेकिन हमारे गांव में देखो जगह जगह ढेर लाग रहा है, खटे गोबर का लाग रहा है, खटे कूड़े का लाग रहा है, एक जो गंदे पानी की निकासी है बहुत भारी समस्या है। देखो गाँव के में समय नाड़ो है जो मैं पीबा की जी की कुएँ ही बाँ के माँ आज के टाइम में नाला लगा मैं लिया चुब्बे सगड़ी है जी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, बाँग लोग पानी कौन पी सके। पानी भी आवे कने 3 दिनों आवे, कने 2 दिनों आवे, कने 4 दिनों आवे, कने हफ्तों आवे, पानी की भी बहुत समस्या है। लेकिन पीछे जो चुनावी कवरेज चल रही, मैंने गाँव में आयोजित में एक ही समस्या बन बताई, बोले हमारे कोई समस्या बन फिर वोटा पर आगी बात। देखो वोटा वाली टाइम कहीं वे के हमारे गाँव में अत्ता दिन तो दो पार्टी ही, अब कल 3 होगी और अब कल घंटा 4 ही हो जाली। वोटा वाली टाइम कोई बोलना कौन सा है, क्योंकि बे टाइम फिर सोचे को बुनने को और बुनने को बोट टूट जाए। समस्या घनी है, मैं गौचर भूमि है, गौचर भूमि है जी की हमारे आज 20 साल पहले बहुत मतलब गायें है जी की कम 1500-2000 गायें होया करती, आज गौचर भूमि है, कोई कुनो खेत में दाब मार लिए, कोई गांव में दाब मार लिए, कोई कुन्ने दाब मार लिए, कम मतलब हुए जते दाब भई है भी। तो अभी बड़ी समस्या है, मुद्दों उठा वालों कोई को नहीं, बोट ले वाली भगत सगड़ा कहे हाँ मैं वो करवा देसी हूँ, मैं वो करवा देसी हूँ, लेकिन बोट होया बाद में मारे 2 साल होगी सरपंच बनिया, आज तक ग्राम सभा की कोई मीटिंग को नहीं, गाँव वाला ठाई को नहीं कि ग्राम सभा की कोई मीटिंग भी हुई, धूल में लठ लाग रही है, कोई नहीं ठा को नहीं, कौन पंच है, कौन सरपंच है, कौन और है, मारे ग्राम सेवक को उठाने कौन ग्राम सेवक है, मारे पटवारी को उठाने कौन पटवारी है, मतलब सगड़ा गए लापा लोप है जी। धुआं की समस्या है कितने टाइम आ रही है? आ रही है 5-6 साल। कठी जी कोई धरना प्रदर्शन के निकलो कुआनो करियो के चुनाव के टाइम या बेंग लावा कर दी करियो के कौन करियो नोपल जी आने कोई कवा कोई कदी करी के एक दो बार केड़ो आने बंद करियो, एक दो बार एक दो दिन बंद कर देवे, और आने वाले टाइम में तो बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी, पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो जाते हैं 2-4 दिन से डॉक्टरों के पास जाके दिखा के आ जाते हैं, डॉक्टर उनको 1-2 टेबलेट दे देते हैं और कर देते हैं, लेकिन वो समस्या सब पोल्यूशन की है। जहाँ दिल्ली वाला ने दिक्कत दे, उन्हें भी यहाँ दिक्कत दे, एक दो बार में गया भी हाँ, बट पूछो जना माल बनावे अठे काम चाले, मोरखाना अठाऊँ कम से कम 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर तीन माल जावे, वो मोरखाने को डंडे बोबासराला भुगतरे है। ये वास्ते मैं तो 1-2 बार शिकायत भी करी, कोई ने केवा सुनी भी करी, लेकिन कोई ध्यान ही कोई देवे, न कोई प्रशासन देवे, न कोई सरपंच देवे, न कोई। अब गांव का जगह में माँ का जगह खेत है, बांक सारे है, घर माँ का सारे है, जकांग ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। को जहाँ प्लांट लाग रही है वो थर खेती करनी पड़ेगी। हाँ, नजदीक है गांव वगैरह खेत में पहुँचता हुआ
तो लोग जी यहाँ सांस में भी तकलीफ आती होगी बहुत भबक है बहुत सुगंध आए भी कि यहाँ बदबू से आप बोकर कोजी कोजी बात आप बोकर टाइम की सुबह की टेम के मां तो धवर आईड़ी हुए ने जिन तरीके से रहे और मारो खेत ही नदी की है पलाट के और सुबह हूँ ले रहे 11-12 बजे तक तो एकदम धुआड़ो रहे बाढ़ फिर जा जहाँ धुआड़ो डोड उड़ जा और समझा तो आई बोख रहे बदबू थे मालते हैं कि जवान आज यहाँ सोचो एक दिन अपने गांव में धुआं होगा बेंगो परेशान होगा नहीं सास जके दिन तो कटा सोचा आज जके दिन तो कोई छीनिया बालता मुंडो बालता जके भी को धुआड़ो देखता अब धुआड़ो देखा डमरा को तेल को एक धुआड़ो आ रही है खेत में बदबू आप बोख रहे और सुबह की टेम में आ हुआ हुआ की टेम धौर आड़ी रहे एकदम असम शाह भाई जी कोई सुनाई करे तो ठीक है मैं तो दो दो तीन तीन बार जाजार कह दियो खास तौर इस स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ रही है हमारे गांव में तो दूसरे गांव की कौन केस कहूँ क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा दूर घूमेड़ो कोई ज्यादा दूर फिरेड़ो कोई मैं हमारे गांव तक या गईड़ो पास के सुजानगढ़ जो हमारा शहर है जो करूँ 7 किलोमीटर अटे की व्यवस्था देख लियो तो फोन घुमा रहा वीडियो बना रहा देख लियो आ कोई कचरो नाक बगे जगह को नहीं चाहे मैं भी नाकू हटे तो मैं दूसरे देख रहे नाकन लाग रही हूँ तो दूसरों आम मन कौन कह रही हो या इस चीज के बारे में प्रोत्साहन कौन कर रही हो कि ये चीज गंदगी होने लाग रही है ठीक है एक पंचायत समिति को कोई भी वार्ड मेंबर लो या कोई भी पंचायत को आपने कोई भी मनोनीत सदस्य मान लो थे जो इस चीज के बारे में कोई ने विस्तार रूप में बताना चाह रही हूँ सरकारी स्कूल के अंदर कैंप लगा था कोरोना का उसके अंदर 300 वैक्सीन आई थी मेरे गांव के अंदर जो कि 300 टोकन कटने चाहिए जायज है आपको पता है 300 होनी चाहिए तो 50 टोकन के अंदर सारी वैक्सीन खत्म हो गई थी मैंने ये जाके पूछा कि 300 वैक्सीन आई तो 50 टोकन पे कैसे खत्म हो सकती है तो बोला एक एक ने 5-5 टोकन कटवा लिए तो आप सरकारी टीचर्स हो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे एसडीएम साहब को भी बोला था तो एसडीएम पीछे की गाड़ी में थे और एसडीएम साहब के जो आगे की जो गाड़ी थी उसमें कंडक्टर साइड जो बंदा बैठा था मैंने इनसे यही बोला था कि वैक्सीन कितनी आई है कि हमें पता नहीं मेडिकल स्टाफ से बात करो आप किस लिए यहाँ पे क्यों चेकिंग करने के लिए तो किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि कितनी वैक्सीन है बोबा सरंग के अंदर और जो मेरे गांव के सरकारी मेंबर है वो हाथ पकड़ के लेके आते हैं ये नहीं भाई यार तेरे लगवा देंगे अरे मैं तो एक हूँ मैं कमाता हूँ अच्छी तरीके से 700-800 रुपए के टीका आता मैं मोल लेके लगवा सकता हूँ लेकिन वो एक व्यक्ति उस लाइन में खड़ा है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए चेजा भाटा मजदूरी करता है और उसके वो वैक्सीन नहीं लग पाती है तो उसके 300 रुपए लॉस में है ना वो पांच प्रतिनिधि है जी का बोबासर का जुड़िया है दो तीन समस्या ग्रामीण बता रहे हैं कि एक तो धुआंरी जी की समस्या है अब बहुत ज्यादा बढ़िया खतर थे कि कुछ कर रहे हो इको देखो ये अपने क्षेत्र से मतलब आबादी क्षेत्र से दूर है इसका समाधान या तो तहसीलदार जी के पास है या एसडीएम के लेकिन आगे बड़ी समस्या मनुष्य के थर गाँव के लिए जैसे की जितना भी श्वास संबंधी रोग है या आंखिया संबंधी है वह रोग आगे क्योंकि अभी यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं दो साइड में है तो दो साइड की आवाज भी चल रही है हमारे प्रॉब्लम हो गए क्रिएट के तो यही चीज़ है ना हमारे दो जैसे मींगना है लोडसर है बोबासर है इनमें खूब क्रेशर लगे हुए लेकिन इनका कोई किसी का कोई मतलब क्या सिस्टम है प्रशासन ये मुद्दे पर कभी बातचीत या कभी कोई ज्ञापन वगैरह कभी कुछ कुछ को नहीं आज तक मेरे हिसाब से मेरे गांव में लगे हुए होंगे 20 वर्ष हो गए और लोडसर में भी करीबन 70 या 80 क्रेशर होंगे उनको भी करीबन 20-30 साल हो गए लेकिन अभी तक इसका इनका कोई मतलब ऐसा नहीं आया दूसरी स्वच्छता में थारो गाँव या अव्वल रेडो बताओ पीछे स्वच्छ भारत के अंदर जो वो चालू सिस्टम बैंक अंदर के जितना ही ठीक हो लेकिन अब व्यवस्था बिगड़ रही है स्वच्छता अभियान के तहत गवर्नमेंट अभी जैसे कि पीछे मतलब एक कोई अलग से कोई सिस्टम बनाया था प्रारूप बनाया था लेकिन वो अभी तक ग्राउंड लेस पे मतलब वो अभी तक गवर्नमेंट ने चालू नहीं किया सुजानगढ़ का बोबा सुनो स्पेशल कवरेज ही मुख्य कई की समस्या है जी कि मुख्य आप मान लिया तो एक है जी की धुआं आ रही है वो प्लांटा वो बहुत बड़ी समस्या है और आगे भी ग्रामीण कह रहे हैं कि मैंने मान बीमारियों भी जूझनों पर थे तमाम कवरेज पर के सोच रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताओगा जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।